आज हमारे लाजवाब दिन की शुरुआत होती है मसूरी में और आज हमारा है भाई लास्ट डे शूट का कहाँ पे लैंड और कैफे में। मगर दोस्तों आज की शूटिंग बहुत ज्यादा नहीं कर पाए क्योंकि भूखो मरी गए हो रे। मगर कोई बात नहीं, हमारे शेरू यानी कि पर्सनल प्रॉपर्टी पे जो डॉगी था उसे हमारी दोस्ती हो गई अच्छी खासी। चलिए आइए अगला दिन यानी कि अब हम दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। मगर दिल्ली के निकलने से पहले भाई इस रास्ते को कवर करते हुए कुछ लाजवाब नाश्ता खाते हैं और अपने साथियों के लिए भी भाई लेके चलते हैं। तो आलू के परोठे खा भी लिए और यहाँ पे हमारे साथ बाकी सारे साथी भाई खूब आनंद उठा रहे हैं आलू के परोठों का साथ में। बीच में जितने सारे मॉन्कीज मिले हमने खूब जी भर के उनको केले खिलाए और मूंगफली खिलाई। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का ड्रोन शॉट नहीं लिया तो भाई क्या करा मसूरी आके। तो चलो आओ अब वापिस आखिरकार दिल्ली का रास्ता स्टार्ट हो चुका है भाई। थामो थोड़ा सा भोजन कर लेते हैं। बीच हाईवे में कुछ और ढंग का तो नहीं मिला तो महादेव ढाबे पे रुक के बढ़िया लजीज खाना खा लिया। थोड़े से मसाले थोड़े से तेज थे मगर कोई बात नहीं, रास्ता जो है भाई ट्रेवल का सब हजम कर देता है। आखिरकार जैन चिकन जी में हम रुके मगर भाई ये समझ नहीं आता इसमें से ओरिजिनल वाली जैन चिकन जी कौन सी है। पकौड़े ले लिए निहायती बकवास थे, उससे भी बकवास तो भाई इसकी आखिरकार चाय थी। तो सोचा चलो उनको छोड़ो आगे रोकते हैं देसी बाइट्स पे। इसकी कुल्लड़ वाली चाय कंपैरेटिवली काफी ठीक थी। आखिरकार वसुधा को उसके घर पे हमने वापस छोड़ा, अपनी जिम्मेदारी निभाई और अब अरधी आदित्य जी को उनके घर पे ड्रॉप करने की। ड्रॉप करने के बाद भाई ये कुछ इस तरीके से बीता आज का ये हमारा दिन। और इस सीरीज को यानी कि प्री वेडिंग शूट की इस लाजवाब सीरीज को यहीं पर हम आज कंप्लीट करेंगे। मगर इस वीडियो की शुरुआत तो अभी हो रही है तो चलिए आइए पूरी वीडियो देखे और बोलिए जय श्री राम हर हर महादेव जय माता दी। जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव जय माता दी। भाई इस टाइम पे हमारी जो हमारी नहीं मतलब आदित्य और वसुदेव की जो प्री वेडिंग शूट है वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। एक लास्ट लोकेशन है इस टाइम पे। पहले तो हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहीं पर जाने वाले थे बट जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि भाई वसुधा का पैर जो है ना उसमें चोट है जिसके कारण वो ज्यादा ट्रैक नहीं कर सकती है। तो अभी क्या था, हमें हमारे पास में फोटोग्राफर का कॉल आया था, उन्होंने ये बताया कि भैया नीचे जो लोकेशन है वो इतनी ज्यादा मजेदार नहीं है, अगर मजेदार लोकेशन चाहिए तो 3.5 से 4 किलोमीटर का ट्रैक है जो कि वसुधा इस टाइम पे कर नहीं पाएगी। तो हाथों हाथ लोकेशन चेंज करनी पड़ी। फोटोग्राफर साहब तो भैया सुबह 8-8:30 बजे ही वहां पे पहुंच गए थे, उन्होंने देख लिया था, उसके बाद में उन्होंने लोकेशन चेंज करी। अब कहां पे जा रहे हैं, अब जा रहे हैं लैंडोर में। लैंडोर भी जगह का ही नाम है और लैंडोर में कैफे भी काफी फेमस है बट कैफे की शूटिंग हो चुकी तो कैफे की शूटिंग अब करने की जरूरत नहीं है। अब हमें जाना है लैंडोर जगह में, वहां पर भी कोई एक फॉरेस्ट एरिया है तो वहां पे शूटिंग करनी है तो वहां पे करते हैं और उसके बाद में सीधा अपना घर के लिए निकलते हैं। तो चलो बोलते हैं प्रभु का नाम लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, आज की जर्नी की शुरुआत करते हैं, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। दिन की शुरुआत भाई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टाइम जो है ना काफी ज्यादा हो चुका है, तकरीबन मेरे ख्याल से 1 बज रहा होगा। हाँ इस टाइम पे घड़ी नहीं पहन रखी है, मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मोबाइल हाथ में है। तो चलो कोई नहीं, आज के दिन की शुरुआत करते हैं और लैंडोर की जो चढ़ाइयां हैं वो आपको जरूर 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 दिखाएंगे। बड़ी खतरनाक चढ़ाई है भाई, पिछली बार लैंडोर पे गए थे वापसी गाड़ी पूरी लेनी पड़ी थी क्योंकि बहुत ज्यादा जाम था। उस टाइम पे रिकॉर्डिंग इसलिए ऑन नहीं थी क्योंकि भाई जो कैमरे में मोबाइल में जीपीएस लगा हुआ था इसलिए हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे उस टाइम में। बट आज जो है मोस्ट प्रॉब्ली मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आज की वीडियो में लैंडोर की चढ़ाइयों की भी रिकॉर्डिंग आपको पूरी दिखेगी। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। चलो जी सामने अपने सारे फोटोग्राफर साहब कुछ लाजवाब शॉट्स ले रहे हैं दूल्हा दुल्हन के। कुछ इस तरीके से रास्ते पे ही हम शूट के लिए चालू हो गए थे क्योंकि यहाँ से तकरीबन 2-3 किलोमीटर अगर और ऊपर जाते हैं तो लैंडोर कैफे है मगर वहां पे गाड़ी जाना अलाउड नहीं था, पैदल जाना पड़ता तो पैदल जाने के लिए काफी दिक्कत थी यानी कि वसुधा का पाँव में दिक्कत थी तो इसलिए हम नहीं गए वहां पे। तो चलो कोई बात नहीं, यही ठीक है। बाकी इस टाइम पे भूख बहुत भयंकर लग रही है तो भाई आज ज्यादा शूटिंग नहीं हो पा रही है, कल के नेक्स्ट डे पे मिलते हैं। जो अपनी प्रॉपर्टी है भाई यहाँ पे शानदार शेरू पाल रखा है ये मजबूत सा। भाई देखो नाम तो इसका हमें पता नहीं है मगर हमने इसका नाम शेरू रख दिया है। मजेदार भाई प्यारा सा डॉगी है, देख के थोड़ा सा डर जरूर लगेगा क्योंकि थोड़ा मजबूत भी ज्यादा है यहाँ पे पहाड़ी इलाके के हिसाब से। भाई इसके बाल बाल भी काफी अच्छे खासे हैं
पालतू डॉगी, चलो इसलिए लिखा हुआ था बिवेयर ऑफ डॉग्स, मगर फ्रेंडली डॉगी है। अभी इसको हम बिस्किट खिला रहे हैं ताकि हमारे साथ में भी अच्छे से दोस्ती कर ले। अब ये शेरू साहब अपना नाश्ता पानी करके आराम से बैठ चुके हैं मौज में। चलो इनको बैठे रहने दो, मौज लेने दो, धूप का मजा लेने दो, हम भी धूप का मजा लेते हैं। उसके बाद में कुछ नाश्ता पानी करके फिर आगे का सफर कंटिन्यू करते हैं। जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता दी भाई। एक और नए दिन की बहुत बढ़िया शुरुआत हो चुकी है। कल बहुत ज्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे क्योंकि भूखे पेट तो कहते भाई पूजा भी नहीं होती, तो भाई अपने से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। तो चलो कोई बात नहीं, इस टाइम पे सुबह के 10:30 बज रहे हैं। 11 बजे तक निकलने का शेड्यूल टाइम था बट नहीं निकल पाएंगे, 11:30 तक भी निकल जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली तक हम टाइम से पहुंच जाएंगे, 7 से 8 घंटे तक का रास्ता है। इस टाइम पे हम थोड़ा नाश्ता लेने जा रहे हैं आसपास में, क्योंकि यहाँ के जो केयर टेकर भोला भैया थे वो चले गए हैं कहीं बैंगलोर वगैरह, मतलब कहीं जा रहे हैं। खोलो खोलो, तो नहीं खुली चाबी, अरे चाबी तो मैं भूल गया, एक मिनट अभी लाता हूं चाबी। तो भाई वो लोग तो बैंगलोर की साइड में निकल गए हैं, तो यहाँ पे कोई खाना बनाने वाला कुक वगैरह इस टाइम पे है नहीं। तो हमने सोचा यार एक काम करते हैं, कुछ खा पी के ही निकलते हैं, क्योंकि अपने को आदत नहीं है खाली पेट ज्यादा ड्राइव करने की, क्योंकि पेट में खाना बना आ जाएगा तो उसके बाद में ज्यादा अच्छा रहता है। बाकी एक बार वसुधा से पूछ लेते हैं भाई उनका लेग वगैरह कैसा है, पैर कैसा है भाई वसुधा? बेटर है, अब तो दौड़ सकते हो नहीं? चलो कोई नहीं, चाबी भूल गया मैं, गाड़ी की अंदर है, एक मिनट। चलो जी फटाफट चाबी उठाते हैं और फिर हम चलते हैं अपना ब्रेकफास्ट लेने के लिए। यहाँ पे इस टाइम पे लाइट नहीं है और दिविशा जी पता नहीं क्या कर रही हैं, सामान में कुछ पैकिंग कर रही हैं। कहाँ गया चाबी? चलो जी अब सब लोग बैठ गए हैं। सब लोग क्या, आदित्य जी बैठ गए हैं, मेरी गुड़िया रानी बैठ चुकी है। बाकी गाड़ी की हालत देखो, अगर धूप में, मुझे इस टाइम पे कैमरे में इतना पता नहीं चल रहा कि कितनी गंदी है, बट काफी गंदी हो रखी है क्योंकि इस टाइम पे गाड़ी को सर्विस पे जाना है। 80,600 चल चुकी है, 80,000 में मुझे सर्विस पे भेजना था, बट मुझे पता था भाई कि मसूरी गाड़ी ने जाना है तो उसके बाद में ही एक बार में सर्विस में भेज देंगे। उसी टाइम पे गाड़ी अपना डोली लाने के भी काम आ जाएगी। चलो गाड़ी को रिवर्स करते हैं। चलो जी ढाबे की तरफ चलते हैं, बढ़िया से नजारे का मजा लेते हुए। और जो है इस टाइम पे देखते हैं यार, आलू के परोठे कुछ खा पी लेंगे, ज्यादा तो नहीं भूख है बट फिर भी पेट में कुछ रामरूला हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं देहरादून पार करके खाएंगे या कहाँ पे खाएंगे। ये जो रास्ता आप देख रहे हो ये हमारी जहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी ले रखी है वहां तक का रास्ता है। एक मिनट रुक जाओ मैं खोल दूंगा, कोई बात नहीं, बेटर 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 बेटर। अपनी जो प्रॉपर्टी का सीधा एग्जिट होता है, ये मल्टी लेवल पार्किंग बनी हुई है जो आप सामने देख रहे हो, उसके सामने से एक कच्चा रास्ता आता है, यहाँ से एक एंट्री एग्जिट होती है, मजेदार है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मेरे ख्याल से ये जगह जो होगी, जो रोड होगा भाई, ये तो सरकार का ही होगा, इसलिए अभी तक सरकार ने यहाँ पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे इतना टूरिस्ट का, इस तरफ से सिर्फ एक ही पर्सनल प्रॉपर्टी बनी हुई है इसलिए ज्यादा टूरिस्ट का आना जाना वगैरह होता नहीं है, ना किसी ने इतनी पहल ली है उस रास्ते को बनवाने के लिए, इसलिए ऐसे ही चल रहा है अपना, चल रहा है कोई बात नहीं। बट इस टाइम, बट भाई बारिश के टाइम पे काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती होगी यहाँ पे। तो चलो अपना खाना पीने का हमारे पास में आ गया है क्योंकि हमने नियरेस्ट में एक पेट्रोल पंप के पास में ढाबा देख लिया था, तो ढाबे के पास अब हम पहुंच चुके हैं, खाते पीते और उसके बाद में आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, छोटा सा ढाबा है मगर भाई आलू के परोठे वाकई ही लाजवाब है। खाना पीना भाई अपना, आखिरकार हम आलू के परोठे वगैरह और दो गिलास लस्सी मस्त, एक तो पियेंगे आदित्य जी और एक पीऊंगा मैं, अभी चाय तो मैंने पी ली, आधा पौना घंटा हो ही जाएगा निकलते हुए, निकलने से पहले पियेंगे मस्त, और खैर उसके बाद नींद तो नहीं आनी चाहिए। बाकी अब हम वापिस आ गए हैं तो चलो सबको आलू के परोठे का नाश्ता करवाते हैं और उसके बाद में दिल्ली का लाजवाब सफर चालू करते हैं। हम तकरीबन 6 से 7 परोठे सबके लिए पैक करवा लिए थे, सारे एक फैमिली की तरह मिलके भाई मजेदार सुबह के नाश्ते का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि पता है दिल्ली का रास्ता है लंबा, तो भैया पेट को थोड़ा सा फुल करके ही चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने भाई मॉन्कीज को बढ़िया केले खिला दिए, उस टाइम पे ज्यादा शूट तो नहीं कर पाए,
क्योंकि केले खिलाने में हम बिजी थे, प्लस भाई गाड़ी आगे आगे भी ले रहे थे क्योंकि पीछे से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रहा था। अब देख लो इस मंकी को कितना बदमाश है, अच्छा खासा पैकेट इसने फाड़ दिया, सारे मूंगफली इसने बिखेर दी। अरे खाने में तो जान दे। चलो जी अब हाईवे में थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, महादेव ढाबे में कुछ बढ़िया लजीज खाने का लुफ्त उठाते हैं। तो कढ़ाई पनीर मंगा लेते हैं और नान मंगा लेते हैं। नान तो नहीं है, चलो कोई नहीं, लच्छा पराठा ही सही, पेट तो भरना है। ऑलमोस्ट रास्ता भाई हमारा कवर, आप लोग बात कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट रास्ता भाई अपना कवर हो चुका है, कड़ी में नहीं भाई जीपीएस में 3 घंटे 10 मिनट का टाइम दिखा रहा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हम 2.5 घंटे में कवर तो कर जाएंगे। बाकी टाइम थोड़ा ज्यादा इसलिए लग गया क्योंकि जब हम देहरादून से निकल गए थे, देहरादून से निकलने के बाद में भाई 2-3 काम थोड़े बहुत रह रहे थे वो हमने निपटा लिए थे। और जो है अब एक लफड़ा ये हो गया कि हम उस जो वो जो हाईवे था, जो नेशनल हाईवे था जो कि देहरादून से निकलते ही आता था, तो नेशनल हाईवे से हम लेफ्ट साइड में टर्न काटते थे जो कि रुड़की की तरफ रास्ता कटता था। बट इस टाइम पे हमें रुड़की वाला रास्ता तो देखो हमने मिस कर दिया क्योंकि जीपीएस सीधा दिखा रहा था, सीधा दिखाते दिखाते भाई इतना सीधा ले गया ये आखिरकार सीधा सहारनपुर वाले रोड से कट करवा के और सीधा मेरठ पे निकालेगा। तो चलो कोई बात नहीं, बट ये स्टेट हाईवे भी बहुत अच्छा है। इस स्टेट हाईवे में बस सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, 2 जो है टोल टैक्स पड़ते हैं और दोनों टोल टैक्स पे फिजिकल पर्ची कटी, ₹165 हमसे चार्ज करे गए हैं जिसमें से कि दोनों टोल टैक्स कवर हो जाते हैं। बाकी अगर आपको आने जाने का लेना है तो उसका फीस मुझे पता नहीं है, कुछ जो भी होती होगी मुझे नहीं पता भाई, वहां पे लिखी हुई थी बट मैंने उस टाइम पे रिकॉर्डिंग नहीं करी थी। बाकी अब देखते हैं कि कहाँ पे रुकना है क्योंकि ये वाला जो हाईवे है ना, जो स्टेट हाईवे है, इसमें कोई ज्यादा अच्छे ढाबे आते नहीं है। अब मेरठ के बाद में ही आपके सारे अच्छे ढाबे आएंगे, यानी कि मेरठ के आसपास ही चीतल आएगा और चीतल के बाद में अपना जो है आने वाला है जैन शिकंजी वाला। तो चीतल पे तो हम नहीं खाने वाले, ना कुछ चाय पानी पीने के लिए भी शायद ही रुके क्योंकि मुश्किल से 25 मिनट में आ जाएगा और 25 मिनट में अपने को कोई भूख वगैरह लगनी नहीं है। उसके बाद में और 20-25 मिनट में आधा 1 घंटे के अंदर मेरे ख्याल से जैन शिकंजी भी आने वाला है। तो भाई जैन शिकंजी में देख लेंगे अगर जैन शिकंजी वगैरह पे रुकना है तो, बट सर्दी का टाइम है, जैन शिकंजी पीनी है क्या आप लोगों को, किसी को पीनी है जैन शिकंजी या वहीं पर भी चाय का ही मौज लोगे? चिंटू आदित्य जी पिएंगे चिकन जी, ठीक है जी आदित्य जी पिएंगे, वो नाम मत बोला कर फेमस हो जाएगा चिंटू का नाम। तो चलो जी चिकन जी भी पीनी है, चाय भी पीनी है, पकौड़ों का मजा भी लेना है, तो चलो चलते हैं, आइए गानों का भी मजा लेते हैं और रास्ते का मजा लेते हैं। भाई देखो ऐसा है, जो अपनी आपस की बातचीत है वो मैं ज्यादा इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि जब जब कैमरा ऑन करता हूँ सारे के सारे शाय हो जाते हैं। हिमांशु जी भी ज्यादा नहीं बोलते, दिविशा भी ज्यादा नहीं बोलती थी और बाकी लोग भी सब चुप हो जाते थे कि बस कैमरे पे रिकॉर्डिंग ना हो जाए यार, नेचुरल थोड़ा सा एकदम शाइनेस आ जाती थी सब में। चलो कोई बात नहीं, थोड़े बहुत ट्रिप्स हमें और करने पड़ेंगे तो और आराम आराम से हमें स्पॉन्सर्स ढूंढने पड़ेंगे इस ट्रिप के। इस ट्रिप के स्पॉन्सर्स हैं जो हमारे पीछे बैठे हुए हैं आदित्य जी, गुरुम साहब हैं इस ट्रिप के स्पॉन्सर, और ब्राइट जी ब्राइड का भाई बात एक ही है, ब्राइड हो ब्राइड का भाई हो। तो चलिए अब चलते हैं घर की तरफ और देखते हैं कहाँ पे रोकते हैं भाई मठ। हाँ ये रास्ता भी अच्छा खासा है, अब जैसे ही हम देहरादून से निकले थे तो ये हमें हरिद्वार का रास्ता दिखा रहा था, हमने हरिद्वार का रास्ता नहीं लिया क्योंकि हमें भाई हरिद्वार के रास्ते वाले से नहीं आना था बिल्कुल भी। तो चलो अच्छी बात है हमने इस रास्ते को भी ट्राई कर ही लिया, ये रास्ता मैं बार बार अवॉइड कर रहा था बट मुझे पता नहीं था यार ये अच्छा खासा बना हुआ है, 4 लेन हाईवे है, मस्त हाईवे बना हुआ है। आपको देहरादून एक्सप्रेस वे मैं दिखाई चुका हूँ, कौन सा हाईवे है ये वही तो ले लिया था, हाँ हाँ वही तो कह रहा हूँ भाई, ये सहारनपुर रोड वाला हाईवे है ये, हाँ तो ये भी अगर हम ले हाँ ये भी ले लेते तो ये भी अच्छा रहता, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें भी। चलो जी अब चलते हैं जहाँ पे भी रुकते हैं, बढ़िया सा नाश्ता पानी तो नहीं भाई, शाम के स्नैक्स करते हैं, चाय पानी पीते हैं। लो जी जैन चिकन जी हम पहुंच चुके हैं भाई, अब हमने ये नहीं पता ये ओरिजिनल है कि नहीं, भैया तो भगवान को ही पता है कि कौन सा ओरिजिनल वाला है, हर बंदे ने यहाँ पे जैन चिकन जी के नाम से खोल रखा है।
अच्छा खासा अंदर तो रेस्टोरेंट ठीक बना ही रखा है, अब देखते हैं भाई खाना कैसा मिलता है कैसा नहीं मिलता है। एसी वगैरह की भी अच्छा खासा है, वैसे देखने में कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसका खाना कैसा है। पकौड़े आय हाय हाय भाई साहब परेशान हो गए खा के, और चाय भी इतनी बेकार थी कि भैया छोड़नी पड़ी पूरी की। लो जी आखिरकार भाई जैन चिकनजी वाले से हार के हम यहाँ पे आ गए हैं। ये क्या है देसी बाइट्स रेस्टोरेंट पे आ गए, ब्रेकफास्ट लंच डिनर बाइट, डिनर विनर तो नहीं करना, हल्का फुल्का यार। चाय इस चाय वाले पे ट्राई कर रहे हैं, तो देखते हैं भाई चाय इसकी कैसी, अगर चाय अच्छी होगी तो फिर चाय एक कप लिए पहले, उसके बाद में फिर हम और बनवा लेंगे इससे। और जो ओरिजिनल शिकंजी वाला था उससे बस थोड़ी सी दूरी पे था, ओरिजिनल शिकंजी वाला था, नकली था भैया भगवान जाने हमें ना पता, बाकी गाड़ी उस तरफ पार्क कर दी है। तो चलो आओ चाय के मजे लेते हैं और उसके बाद में देखते हैं भाई चाय में बताता हूँ आपको चाय अच्छी है कि नहीं है। चाय तो इसकी अच्छी है यहाँ पे, अब ये पता नहीं भैया ओरिजिनल जैन शिकंजी है या कौन सा है चाय वाला पे, इसकी चाय अच्छी है तो चलो एक कप चाय इसके बाद में पीलेंगे, मगर पहले ना कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए ले लेते हैं, उसके बाद चाय पानी पियेंगे। चाय पानी तो खैर पी रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा में एक एक्स्ट्रा चाय पी लेंगे ताकि गले में कुछ लगे ना। चलो बाय बाय कर दो, बाय बाय। अच्छा आंटी जी बाय बाय। बाकी वीडियो में इन लोगों ने ज्यादा कुछ बोला नहीं, जैसी वीडियो ऑन होती थी ना इनको सन्नाटा सा छा जाता था। हाँ धीरे धीरे, अभी रास्ते में तो बोला है इन्होंने थोड़ा बहुत, कोई नहीं भाई। अब हम आगे शालीमार बाग में, शालीमार बाग में हमने आदित्य जी दा हमारे स्पॉन्सर जी को भी हमने छोड़ दिया यहाँ पे। ओके आदित्य जी बाय बाय, अब हम चलते हैं अपने घर, रेस्ट करते हैं आराम से क्योंकि सुबह हमें 5 बजे मंदिर के लिए निकलना है, प्रसाद हम ऑलरेडी मंगवा चुके हैं। चलिए आइए चलते हैं।